हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। हमने आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इटली जाने में, वहां जाके पढ़ने में, यूरोपियन किसी भी कंट्री में जाने के लिए मूव होना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो दिस इज द राइट टाइम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी ऑथेंटिसिटी बता देती हूँ कि मैं किस बेसिस पे आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं दे नो कि मैं एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट काम करती थी दुबई में एक कंपनी में, और हर इमिग्रेशन कंपनी में एक सेक्टर होता है, एक डिपार्टमेंट होता है स्टडी अब्रॉड का, जिसमें आप स्टडी अब्रॉड की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, उसके काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं, ठीक है। मगर उस सारे टाइम में मैंने जितना कुछ सीखा वो सब मुझे पता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि कैसे आप उन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हो, क्या टाइम क्या डेडलाइंस है, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या प्रोसेस होगा बैचलर्स के लिए अप्लाई करने के लिए, क्या प्रोसेस होगा क्या प्रोसेस होगा मास्टर्स के लिए अप्लाई करने में, कितने पैसे लगेंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन है, कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप्स देती हैं, और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोग बैचलर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो आप लोगों को अपने मेट्रिक की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले वो पाकिस्तान से अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। मोफा से भी अटेस्टेड होने चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स। इसमें कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते। जितनी भी मैंने दुबई जॉब्स पे वीडियोस बनाई थी उसमें भी बताया था सारा प्रोसेस कि कैसे अटेस्ट कराने हैं आप लोगों ने। डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप मार्च के एडमिशन में इंटरेस्टेड हैं, 2025 के मार्च के एडमिशन में, तो उसके लिए जितनी भी रजिस्ट्रेशन हैं वो सितंबर से स्टार्ट होंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मंथ्स होते हैं जिसमें आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटीज में। उसमें आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक के, इंटर के अटेस्टेड होने चाहिए, आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपका अगर कॉलेज आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देता है तो वो लगेगा। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक फैमिली ट्री रजिस्ट्रेशन होती है, वो मैं आपको प्रॉपर बनाना भी सिखा दूंगी। उसमें क्या होता है, एक तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं स्टडी प्लान और कुछ मांगती हैं फैमिली ट्री, तो उसको बनाना कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आपको जस्ट अपने फैमिली मेम्बर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है और जो आपके ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं उनको मेंशन करना होता है, ताकि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोगों को वेरीफाई कर सकें, ठीक है। जब आप ये सब अटैच करके अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटीज में, उनके क्राइटेरियाज आप लोग पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और नाम भी आगे चल के आपको वीडियोज में दिखा दूंगी कि कौन सी ऐसी फेमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी होती हैं उनकी एक वेबसाइट है, वो सब मैं आपको दिखा दूंगी, जहाँ पे उन सबके नाम होते हैं, स्पेसिफिकली उन यूनिवर्सिटीज़ का जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ये तो आप लोग के एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आपने एडमिशन फॉर्म फिलअप कर दिया, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए, उसके बाद आपको आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रूवल लेटर कि आप लोग का एडमिशन हो गया। उसके बाद से सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं स्कॉलरशिप में, उसका प्रोसेस क्या होगा, एक टैब होता है हर वेबसाइट पे, एक टैब होता है स्कॉलरशिप का। जब आप वो ओपन करते हो उसके बाद आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है स्कॉलरशिप की वो ये होती है कि आपकी फैमिली इनकम 20,000 यूरो से कम हो, जो कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, मोस्टली फैमिलीज की इनकम इससे कम ही होती है, तो आप एलिजिबल होते हो कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। मगर बहुत सारे लोग जो बैंक स्टेटमेंट के लिए कॉन्शियस होते हैं कि कितना बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, वो बता दूं, आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए लास्ट 6 मंथ्स का, ठीक है। चाहे आप 6 महीने किसी से लेके अपने बैंक अकाउंट में वो पैसे रखवाएं, उसके बाद आप स्टेटमेंट के बाद आप दे सकते हैं वापस उस बंदे को, या फिर अगर आप किसी एजेंट से रबते में, तो बहुत सारे एजेंट्स भी ये काम करवाते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट आपका बनवा देते हैं। उसके लिए आपको एक डमी टिकट प्लस वहाँ पे जो आपकी रेजिडेंसी होगी, क्या वहाँ जाके कहाँ स्टे कर रहे हो, उसका डमी, वो सब इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। जब आप एक दफ़ा इस सारे काम में घुसोगे तो आप लोग को खुद ही पता लग जाएगा। इटली एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जो कि आपको लेबर के भी मौके प्रोवाइड करता है, जो कि आपको स्टडी के भी मौके प्रोवाइड करता है। जब मैं थी मैट्रिक में तो आई वॉज रियली इंटरेस्टेड कि मैं बाहर जाके पढ़ूँ, कैनेडा जाके पढ़ूँ। एट दैट टाइम बहुत सारे स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स होते थे जो कि बहुत सारे पैसे लेते थे, उनकी कंसल्टेंसी मैंने ली थी,
और उस टाइम में मुझे पता लग रहा था कि भाई 22 लाख 23 लाख 24 लाख इतने पैसे लगते हैं, तो उतने तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मैंने वो अपना ख्वाब उसी टाइम वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ज़रूरी थी करना। मगर एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ मुझे पता है कि कौन से ऐसे सही वेज हैं जिसमें आपको इतने पैसे नहीं लगाने। यू नो वॉट, इस सारे प्रोसेस में जो आपका खर्चा आएगा ना, वो मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल जीरो पैसा खर्चा आएगा, आपके आएंगे 6 से 7 लाख रुपए खर्चा, ठीक है। आपकी जितनी भी अटेस्टेशन हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, वीज़ा जो भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी एजेंट को भी अगर इन्वॉल्व किया ना कि भाई आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, उसके बाद भी आप लोगों ने अगर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी नहीं ली और आप लोग सारा काम खुद से हैंडल कर रहे हो, तो आपका 6-7 लाख रुपए लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी से सर्च आउट करना शुरू करो, अप्लाई करना शुरू करो, अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराओ सबसे पहले। अगर आपका बैचलर्स हो गया तो आप लोग अपना बैचलर आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात आई गेस मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। बाकी इटली हर साल 22 लाख स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, और जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको 7,000 यूरोज भी इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि सारे पैसे एक साथ मिल जाते हैं, वो आपको ईयरली 7,000 यूरोज का पैकेज होता है जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। आई होप मैंने इस शॉर्ट वीडियो में सारी बातें कवर कर ली होंगी, बट इफ यू गाइस आर स्टिल कनेक्टेड सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे सारी आपको जॉब अपडेट्स, स्टडी अपडेट्स और वीजा अपडेट्स मिल जाएंगी। पहले मैंने दुबई की बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बट राइट नाउ आई फील लाइक कि दुबई जाना थोड़ा सा ऑफ है इस सीजन में, तो इसलिए मैं अभी यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बना रही हूँ। लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी आइसलैंड पे वीडियोस बनानी है, इटली पे मैंने कुछ वर्क वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियो देख लिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट वाली वेबसाइट है वो चल नहीं रही, तो यार लैपटॉप पे चला के ट्राई करो, क्योंकि मैंने भी जब फ़ोन पे ट्राई किया था मुझसे भी नहीं खुली थी, कंप्यूटर पे खुल रही है वो, और उस वेबसाइट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। इफ़ यू गाइस वांट मी टू मेक योर इंटरनेशनल फॉर्मेट रिज्यूमे तो मुझे मैसेज कर देना। आई एम रियली सॉरी जितने भी लोगों को रिप्लाई नहीं मिला हुआ, तो अभी मेरे पास बहुत, अभी मैं पिछले दिनों वेकेशन पे थी तो बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो गए, तो मैं रिप्लाई करूंगी, सबको रिप्लाई कर दूंगी, मगर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए। इफ़ यू वांट मी टू मेक योर इंटरनेशनल फॉर्मेट सीवी और रिज्यूमे, क्योंकि हर इंटरनेशनली अप्लाई करने के लिए, चाहे आप एजुकेशन के लिए कर रहे हो, चाहे आप जॉब के लिए कर रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट्स आपके इंटरनेशनल फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। सो आई विल डू दैट फॉर यू, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, एंड स्टे कनेक्टेड, एंड या सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। कोई भी सवाल हो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। असल में ऊपर ऑफिस में वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आजकल मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे होते हैं, उनकी प्राइवेसी खराब होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं गैराज में वीडियो शूट कर रही थी, एंड आई एम स्वेटिंग, ठीक है। सी यू गाइस इन अनदर वीडियो, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।